टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पीओके में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात इन दिनों बेहद खतरनाक मोड़ पर हैं। बार बार इमरान खान धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है। पाकिस्तान के टूटने को लेकर एक भविष्यवाणी भारत में भी हो रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले कुछ दिनों से ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए हैं जिससे लग रहा है कि बहुत जल्द पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। रिपोर्ट। पीओजे के भारत की संसद का संकल्प है, एक एक इंच लेंगे। पीओके पीओके चाहिए, पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। ये बयान बड़े इशारे का संकेत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार पीओके को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर चुकी है और सही वक्त का इंतजार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी सिग्नल का इंतजार हो रहा है? हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था, अब उसे वापस हासिल करने की घड़ी करीब आती दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले कुछ दिनों से पीओके को लेकर कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक रैली में दिया बयान सुनाते हैं। रैली में रक्षा मंत्री भाषण दे रहे थे, तभी मंच के नीचे से पीओके चाहिए, पीओके चाहिए की आवाज आने लगी। लोगों की मांग पर रक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। पीओके चाहिए, पीओके 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 चाहिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि धैर्य रखिए। इस बयान से ऐसा लगता है कि अब पीओके को लेकर मोदी सरकार ने कोई बड़ी प्लानिंग कर ली है और किसी भी समय पीओके को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त कराने का प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। इसका संकेत राजनाथ सिंह ने एक और बयान से दिया। और कम योगदान नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके चाहिए, पीओके 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 चाहिए, पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सोचिए, युद्ध भी नहीं हो रहा है, फिर भी राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि जरूरत पड़ने पर सेना की मदद के लिए पूर्व सैनिक भी साथ आ सकते हैं। राजनाथ सिंह का एक और बयान सुनाते हैं जो उन्होंने पिछले महीने शौर्य दिवस के अवसर पर दिया था। पाक अगुवाई काश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक अगुवाई काश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड काश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सहलता है। साथियों, काश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह के इन बयानों से साफ है कि अब पीओके और गिलगित बल्किस्तान को लेकर हिंदुस्तान का धैर्य जवाब दे चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी पीओके को लेकर हाल ही में एक बयान दिया था। पीओके के भारत की संसद का संकल्प है, एक इंच लेंगे वह लिया जाना चाहिए, और इसलिए मैं आपके द्वारा देश की जनता को ये कहूँगा, दवा का काम सरकार करेगी, सेनाएं करेंगी, प्रशासन करेगा, दुआ का काम हम सब करें। एक तरफ मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री का बयान, दूसरी ओर जिस संगठन से बीजेपी बनी है उसके बड़े नेता का बयान, दोनों के पीओके पर अचानक बयान से मामले की गंभीरता आप खुद ही समझ सकते हैं। बिना प्रधानमंत्री के हरी झंडी के उनके रक्षा मंत्री पीओके पर ऐसे ही कोई बयान नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि पीएम मोदी ने पीओके को लेकर बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। वैसे भी प्रधानमंत्री सेना के जवानों को पीओके को वापस हासिल करने का चैलेंज पहले ही दे चुके हैं। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। 2019 में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते वक्त पीएम मोदी ने पीओके पर सेना के सामने अपनी कसक जाहिर की थी। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बयान के बाद अब सेना ने भी संकेत दे दिया है कि वो पीओके पर तिरंगा फहराने के लिए पूरी तरह से रेडी है। वहां तक जाना चाहते हैं तो उसको लेकर आर्मी की क्या कुछ तैयारियां अगर रहती है, ऐसा मौका अगर आता है जैसा आपने? आर्मी की पूरी तैयारी, जब भी ऐसा कोई डिसीजन दिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी की, इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जाएंगे। तो जब इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम मिलके जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के। सुना आपने, सेना की कश्मीर घाटी में सबसे बड़े अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं बस उन्हें सरकार के ऑर्डर का इंतजार है। पीओके को लेकर भारत के बड़े एक्शन का डर पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मान रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बात की चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है कि भारत मौजूदा हालात में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को पांचवी हार झेलनी पड़ेगी। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर हम पेट्रियट हुए बगैर न्यूट्रल होके हम हक सच की बात करें, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, और हम इस काबिल भी नहीं है कि हमारे पास हमारा मुल्क हो, अगर वो टेक बैक कर लें तो ये बेहतर है। हमारे पास जितने भी कश्मीरी यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मुझे, मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, वो इसको पाकिस्तान कहते हैं, उसको कश्मीर कहते हैं, जब कश्मीर जाते हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान जाना है, वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान की आम जनता जानती है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत भारत के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े मुल्क भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। 22 करोड़, देखें माजरत के साथ लॉजिकल अगर बात की जाए, यहाँ पर 22 की बजाय 25 करोड़ लगा दें, ठीक है, जज्बा भी बहुत है, ईमान भी बहुत है, वहाँ पर तो फिर 1 अरब 25-30 करोड़ है। फिर अगर ये बात करें खाली जज्बे से या खाली अगर तादाद से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से इंडिया का ये जो अजायम है, गंदे अजायम है, वो उनको कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। वो आपके ही दौर में आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया था, तब तो उनका अजम पूरा हो गया। इतिहास गवाह है कि युद्ध भूमि में पाकिस्तान ने जब जब भारत से पंगा लिया है, मुंह की खाई है। 1971 और 1999 की हार पाकिस्तान के लोग आज भी नहीं भूले हैं। पाकिस्तान की जनता का ये डर भी हकीकत में तब्दील हो सकता है, और भारत कभी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करके उसे वापस अपने मुल्क में शामिल कर सकता है। अब जब भारत ने पीओके को हासिल करने का प्लान तैयार कर लिया है तो जाहिर है ऑपरेशन की शुरुआत एलओसी यानी नियंत्रण रेखा से करनी होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 2240 किलोमीटर लंबी जमीनी सरहद है, जबकि 740 किलोमीटर एलओसी है। एलओसी के दोनों तरफ दोनों देशों की फौज बैठी है।
पीओके में इस वक्त पाकिस्तान की 2 लाख फौज बैठी है, या यूं कहें कि पाकिस्तान ने पीओके में ही अपनी 50% फौज को तैनात कर रखा है। पीओके में गिलगित बल्किस्तान से पहले नीलम घाटी को हासिल करना होगा, क्योंकि नीलम घाटी भौगोलिक रूप से गेटवे ऑफ पीओके है। नीलम घाटी दक्षिण पश्चिम में मुजफ्फराबाद से जुड़ती है, उत्तर पूर्व में गिलगित बल्किस्तान से एस्तोर और स्कार्दू से। एक बार भारत ने नीलम घाटी पर कब्जा जमा लिया तो पाकिस्तान को गिलगित बल्किस्तान बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने पीओके को 2 भागों में बांट रखा है, एक हिस्से में गिलगित बल्किस्तान जो पीओके का 85% हिस्सा है, तो दूसरे हिस्से में लीपा घाटी, नीलम घाटी और मुजफ्फराबाद जो पीओके का 15% हिस्सा है। पाकिस्तान ने अपनी सेना की सबसे बड़ी 10वीं कोर को यहां तैनात कर रखा है। इसमें 5 डिवीजन हैं, मतलब 60 से 70 हजार फौज। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने इतनी ही फौज यहां तैनात कर रखी है। यहां पाकिस्तानी फौज की तैनाती को और गहराई से समझना होगा। पाकिस्तानी सेना की 85% फौज एलओसी और उसके आसपास तैनात है, यानी 15% इलाके पर ही पाकिस्तान की 85% फौज तैनात है, और इस फौज की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन भारत और भारतीय सेना की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने पाकिस्तानी सेना पहले से ही पस्त है। अभी भारत के पास इतिहास की सबसे मजबूत सरकार भी है, जो पीओके को फिर से जम्मू कश्मीर में मिलाने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर पीओके में भारत के साथ जंग छिड़ी तो पीओके के लोगों का सपोर्ट भारत को ही मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के जुल्म और सितम से जूझ रही पीओके की जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रही है। पीओके पर कब्जे के दौरान कुछ लोग पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लेकर 2-फ्रंट वॉर का खतरा जता रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का कहना है कि चीन कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ वो कई मोर्चे खोल चुका है। चीन अगर कोई भी दुस्साहस करता है तो न सिर्फ पश्चिमी देश भारत के पाले में खड़े होंगे, बल्कि पीओके के मुद्दे पर रूस पहले से ही भारत के साथ खड़ा है।